Welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca, and in this video session, we are covering 25 days crash course. So, आज है आपका crash course का day 3, और आज हम लोग जो topic cover करने वाले हैं यहाँ पे, उसका नाम है Think of Beauty. First of all, I just wanna see how many of you are connected with us. Then we will start with this session that is really very beautiful. So, how many of you are here? Let me check. Ritika, hi. Ankit, hello. Himanshi. Oh yeah, Hamzat, hello everyone. So sabhi log hamare sath connected hain, jaldi jaldi ek bar comment section mein humko reply de denge. A Thing of Beauty aaj hum log yahan par cover karenge. This is your poem which has been taken from the book Flamingo, aur isko hum log bahut acche se padhenge, yani ki hum log isko paragraph wise padhne wale hain, right? Bataiye कौन कौन कनेक्टेड है हमारे साथ यहाँ पर. एवरीवन, हाय अभिषेक, हेलो अंकित, रेडी हो आप सभी लोग सेशन के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो जल्दी से एक बारी. लुक, यस मैम, वी ऑल आर रेडी. हम सभी लोग तैयार हैं आज के वार के लिए. आज तो सबको शूट कर डालेंगे, राइट? चलो, सो द टॉपिक इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. लेकिन सबसे पहले मतलब कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, बच्चा ये जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बचपन में पढ़ी होगी, हमेशा से पढ़ी होगी, हमेशा पढ़ाया भी जाता है. एक सुंदरता से भरी हुई चीज जो होती है ना, वो हमें हमेशा खुशियां देती है, हैप्पीनेस देती है, राइट? तो आपके चैप्टर सॉरी आपकी बुक में ये एक पोम है, और आपको बताना है ये जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी? एनीवन कैन टेल मी? यस मैम, रेडी. तो जल्दी से मुझे बताइए ये जो पोम है आपकी, इसके राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, और हु इज द पोएट ऑफ द स्टोरी? यस मैम, रेडी, बताएंगे जल्दी से सभी कमेंट सेक्शन में आंसर करके. जॉन कीट्स, अंकित का आंसर आ गया. क्या अंकित का आंसर सही है? कितने लोग बताएंगे मुझे? हिमांशी आंसर करिए मैम, जॉन कीट्स. ओके, जॉन कीट्स, वेरी गुड. सो रिमेंबर दिस, ये जो पोम है आपकी, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जॉन कीट्स ने. ओके, ये जो सुंदर से पिक्चर आप देख रहे हो, ये किसी और की नहीं बल्कि जॉन कीट्स की है, जिनको एक रोमांटिक पोएट माना जाता है. मतलब जनरली इनकी जितनी भी पोम्स होती हैं वो रोमांस पे बेस्ड होती है. ओके, और ये एक ब्रिटिश राइटर है. नाउ अब यहाँ पर ये जो पोम है, इन्होंने इस पोम को किसी ना किसी चीज को रिलेट करते हुए बताया. बेसिकली एक बहुत बड़ी सी एक पोम थी जिसका नाम था एंडिमियन. तो एंडिमियन का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन. ओके, तो ये जो पोएम है ये एक पोएटिक रोमांस के तौर पर लिखी गई है, और ये जो कहानी है वो एक लेजेंड के ऊपर है. एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा हिस्ट्री में, राइट, जिसका नाम है एंडिमियन. और एंडिमियन कौन था? एक शेफर्ड था. तो यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेफर्ड? मैम 11 का कब? मैम 11 का कब करेंगे? 11 का तो करवाया है मैंने बेटा, मैंने आपकी मैराथन्स ली हैं. ओके, चलिए आंसर करके बताइए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एवरीबॉडी. क्या आंसर करके बताएंगे आप लोग? आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि ये जो शेफर्ड है, राइट, उसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेफर्ड? बताइए जल्दी से एवरीवन. चरवाहा, अंकित आंसर कर रहे हैं चरवाहा. ओके, हाँ, जो भेड़े चराता है उसको बोलते हो आप शेफर्ड, राइट? तो ये जो कहानी है ये एंडिमियन के बारे में है, जो कि एक चरवाहा था. नाउ ये कहाँ रहा करता था? ये माउंट लैटमस पे रहा करता था. नाउ इसको एक बार एक विजन होता है, और विजन में इसको मून गॉडेस आती है, यानी कि इनको जो मून गॉडेस है उनका सपना आता है, उनका विजन होता है, और फिर ये उनकी तलाश में निकल पड़ता है, राइट? सो दिस इज सेड दैट कि ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस मून गॉडेस से, और फिर उन्हें ढूंढने निकल जाता है कि आखिर वो मून गॉडेस कहाँ है, कहाँ रहती हैं.
और वो भटकता रहता है भटकता रहता है भटकता रहता है, जंगलों में भटकता हुआ जाता है, और फिर भटकते 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 वो समुद्र के अंदर चला जाता है और फिर कहीं खो जाता है, और इसका पता भी नहीं चलता कि अब ये कहाँ पर है। तो बेसिकली इसके साथ हुआ क्या, जब इसको विजन हुआ, अब जनरली आपने सुना होगा, ये वर्ड सुना होगा कि जो मून है ना उसको ब्यूटी का सिंबल माना जाता है। तभी अक्सर आपने देखा होगा जितने भी पोएट्स होते हैं, जितने भी कवि होते हैं, वो मून को देख करके बहुत बड़ी बड़ी शायरियां करते हैं, गजलें लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोम्स लिख डालते हैं, राइट। तो मून गॉडेस को भी बहुत सुंदर माना जाता है, और यही वजह थी कि ये जो एंडीमियोन था, ये जो शेफर्ड था, वो उनकी सुंदरता से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो उनके पीछे पीछे एकदम बेसुध होकर के चल पड़ा, और जाते 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 वो जंगलों में गया, जंगलों में घूमता भटकता वो समुद्र के अंदर गया, और फिर वो कहाँ गायब हुआ किसी को भी पता नहीं है, राइट। सो उसी से ही इंस्पायर होकर के हमारे जो पोएट हैं जॉन कीट्स, वो कहते हैं कि जो एक सुंदरता से भरी हुई चीज है ना, वो इतनी मनमोहक होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आप उस चीज से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इस पर एक मूवी भी बनी है, विद्या अग्रवाल बोल रहे हैं, यस डियर, बिल्कुल ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट कि जो ब्यूटी होती है, सुंदरता से भरी हुई चीज होती है, वो लोगों के लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और लोगों को वो हमेशा खुशी देती है, हमेशा हैप्पीनेस देती है। आप खुद सोचना, कभी आप खुद एक्टिविटी करके देखना, आपने कमरे को सजा लो बहुत प्यारा सा, या फिर अपने गार्डन को बहुत सुंदर सा सजा लो, या फिर आप अपने नेचर, आपके आसपास का जो नेचर है ना, उस जगह पर चले जाओ, तो जो भी चीजें आपको आसपास की चीजें अच्छी अच्छी लगेंगी ना, आपको अपने मन से हैप्पीनेस होगी, वाओ। अपने आप को मेकअप कर लो, लड़कियां तो हमेशा करती है ना, उनका मूड खराब होता है, मेकअप करने खड़ी हो जाती है, लिपस्टिक लगा लेंगी, मस्कारा लगा लेंगी, लाइनर लगा लेंगी, और फिर खड़ी हो जाएंगी मिरर के सामने, ओ नाउ आई एम हैप्पी, दे सेड दैट ओके। तो इट इज जस्ट लाइक कि जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो वो हमें खुशियां देती है, और इसी पे ही जॉन कीट्स एक पोएम लिखते हैं कि सुंदरता क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज ब्यूटी, एंड हाउ वी गेट हैप्पीनेस इन ब्यूटी ओके। सो इनकी पोएम की शुरुआत यहां से होती है, ये कुछ लाइनें पेश करते हैं जिसमें ये मेंशन करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. और bower का मतलब क्या है? Bower का मतलब है a shady place under the tree. Now this is very beautiful. Bower एक ऐसा word भी है जो आप लोगों को confuse कर सकता है, और मैं आप लोगों से बोलूँगी इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आप लोगों ने रास्ते देखे होंगे, road, तो road के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं ना, जब suppose यहाँ पे भी पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ, और पेड़ ना बड़े हो रहे हैं, तो बड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं वो वैसे वैसे घने भी होते हैं, तो ये पूरी रोड को घेर लेते हैं, तो उसके नीचे की जो छाया है ना, उसको आप बोल सकते हो कि वो बावर है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ओके। तो पहले पैराग्राफ में जो हमारे पोएट हैं, उन्होंने सुंदरता को एक्सप्लेन किया कि आखिर सुंदरता क्या है, ब्यूटी क्या है। आ जा तुझे चांद ले चलू, चांद यूजिंग व्हाट इज दिस विद्या, अच्छा आजा तुझे ले चलूं चांद को उसकी औकात दिखाने, ये वो रोडीज वाला डायलॉग मार रहे हो आप है? हाय अभिषेक, ठीक। अब देखो, इन्होंने सुंदरता को प्रेस करना शुरू किया, इन्होंने कहा सुंदरता से भरी हुई चीज हमेशा खुशियां देती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी खत्म हो जाए, बल्कि वो हमें क्या करती है, छाया देती है, वो एक छायादार पेड़ की तरह है जिसके नीचे हम सो सकते हैं, अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छी सेहत पा सकते हैं, और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं, राइट। तो जब हम सुंदरता का एहसास करते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, खुशियां हमारे अंदर इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि वो हमें कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाने देती। आप कभी भी नोटिस करना कि जब आपको अपने अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है तो आपको अपने अराउंड भी सारी चीजें अच्छी अच्छी लग रही होती है ओके। तो अब मैं पॉइंटर की वाइज में अगर आपको लर्न करवाऊं तो सबसे पहला पॉइंटर हमारे जो पोएट है उन्होंने बोला है, द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, जो सुंदरता है वो हमेशा स्टे करती है, वो कभी भी फेड नहीं होती, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होती, फेड होने के बजाय वो क्या करती रहती है, वो बढ़ती रहती है, समय के साथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। नाउ अब पोएट का ये मानना है, पोएट का ये परसेप्शन है, ये नजरिया है कि जो ब्यूटी है वो बढ़ते हुए टाइम के साथ कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा सुंदर होती चली जाती है, और पोएट ये भी कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो एक
छायादार पेड़ की तरह है जिसके नीचे हर एक क्रिएचर क्या कर सकता है, सुकून से सो सकता है, चीजों को एंजॉय कर सकता है, वो एक अच्छी हेल्थ पा सकता है। गॉट इट? मैं स्वयं मतलब विद्या की विद्या की आईडी से तुम यहाँ पे फेक कर रहे हो, मेल हो और फीमेल की आईडी बना करके आए हो। वेरी बैड, वेरी बैड, यू डिसअपॉइंट मी, आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया बेटा। शर्मा जी हेलो, तो बताइए मुझे ये पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अब मैं इसी पे क्वेश्चंस बना करके पूछूंगी, इसी पे ही बेस्ड। यस मैम, पल्पेबल। यस मैम, चलो तो मैं अब ना क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे आंसर करना जल्दी जल्दी, वो भी आंसर करना। सबसे पहला, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सेंटेंस को कंप्लीट करो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सेंटेंस को कंप्लीट करके बताइए एवरीबडी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, मोबाइल से आया हूं ओके ओके मैम, एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन अगेन। अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें बच्चे, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी वापस से। इज अ जॉय फॉर एवर, रिधिका का आंसर सबसे पहले मेरे पास आ चुका है। वॉट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? जॉय फॉर एवर अभिषेक गुप्ता भी कह रहे हैं, हिमांशी भी कह रही है, वेरी गुड। तो एक सुंदरता से भरी हुई चीज हर किसी के लिए क्या है? जॉय है, जो हमेशा खुशियां देता है। अच्छा, पोएट का क्या परसेप्शन है अबाउट ब्यूटी? पोएट का एक नजरिया है ब्यूटी के बारे में कि जो सुंदरता से बड़ी हुई चीज होती है, जैसे जैसे समय पास होता है, समय के पास होने के साथ साथ वो इंक्रीज करती है या फिर वो डिक्रीज करती है विद पासिंग टाइम। जैसे जैसे पास करता है टाइम, समय के साथ साथ वो इंक्रीज करती है या फिर वो डिक्रीज करती है, बताइए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज मेकअप फॉर अ गर्ल। एंड विद्या यू आर गर्ल। अरे नहीं, ये मम्मी, अच्छा ये मम्मी का मोबाइल है, मम्मी के, अच्छा बहुत गलत बात है स्वयं, बहुत गलत बात है। मम्मी भी तो है ना आपकी, मेकअप करती है ना वो। हाँ, इनग्रेस नहीं, इंक्रीज। हाँ ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एवरीबडी इज आंसरिंग सो परफेक्टली। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आसानी से आंसर कर पाओ। जैसे जैसे समय पास होता है, समय के साथ साथ ये क्या करती रहती है? इंक्रीज करती रहती है। ये पोएट का परसेप्शन है, परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया। नाउ यहाँ पर हमें एक और चीज पता चली, अब ना पोएट कह रहे हैं कि ये जो सुंदरता से भरी हुई चीज होती है ये एक बावो की तरह है, इट इज अ काइंड ऑफ बार। तो मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बार? ओके, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ यहाँ पे, शेडी ट्री, अ टेंट और अ होम। व्हाट इज अ बार? बी ओ डब्ल्यू ई आर, बार। आपको क्या लगता है बार क्या है? देखो दीपक भी आंसर कर रहे हैं, अमजद भी आंसर कर रहे हैं, अभिषेक भी आंसर कर रहे हैं, ग्रेट, वेरी नाइस। अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, तो इट इज अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ है। अच्छा, पोएट हमें कुछ बताते हैं कि ये जो सुंदरता से भरी हुई चीज है ना, ये एक बार है, एक शेडी ट्री की तरह है जिसके नीचे हम क्या क्या कर सकते हैं। कैन यू टेल मी What are the things that a poet has been mentioned? कि ये वो चीजें हैं जो हम एक छायादार पेड़ के नीचे कर सकते हैं, यानी कि सुंदरता वो छायादार पेड़ है जो हमें इन सब चीजों का एहसास दिलवाती है। So what are that things जिन चीजों का हमें सुंदरता एहसास दिलाती है या वो खुशियां देती है? Very good, a shady place under the tree, very good, shady tree बोल सकते हो, very nice, अमजद टॉपर भी हैं यहाँ पर, वो भी आंसर करें, बहुत बढ़िया। तो बताइए जल्दी से, बताइए ना क्वेश्चन का आंसर भी तो करिए। बार,
कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इस शेरी ट्री के नीचे कर सकते हैं? वेरी गुड, वासु ने आंसर किया है। पहला, हम लोग सुकून से सो सकते हैं, वी कैन टेक अ पीसफुल स्लीप, वी कैन बिकम हेल्दी, वेरी गुड, एंड या वी ऑल्सो स्लीप एंड सी स्वीट ड्रीम्स एंड वी कैन ऑल्सो रिमेन हैप्पी, और हम लोग यहाँ पर खुश भी रह सकते हैं। ओके, सो ये वो चीजें हैं जो हम सुंदरता से भरी हुई चीज के नीचे, जब वो एक छायादार पेड़ की तरह हमें छांव देती है, तो हम उसके नीचे ये काम करते हैं। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपके लिए वो छायादार पेड़ कौन है जिसको आप सुंदरता से भरी हुई चीज मानते हो? सो फॉर यू, हु इज दैट शेडी ट्री, और व्हाट इज दैट शेडी ट्री? जैसे मैं अपने लिए अपना शेडी ट्री अपनी मदर को मानती हूँ, मेरी मदर मेरे लिए एक शेडी ट्री की तरह है, जो कि बहुत सुंदर है मेरे लिए, बहुत प्यारी है, और मैं जब भी उनकी छत्र छाया में रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है, मैं सुकून की नींद भी लेती हूँ, और साथ ही साथ में मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। हाँ, फिर से बिहारी। अच्छा अच्छा अब नहीं बोलूंगी, क्या करूँ, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ ना आजकल, मैं दो लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, एक फ्रेंच और दूसरी बिहारी, तो मैं आप लोग को भी ट्रेन कर दूंगी उसके लिए। My mother, everybody is saying that so. Mother is so lovely. Okay, Abhishek, Ritika, Deepak, Topper, Ankit, father. Oh, that's nice. Ankit ने थोड़ा different answer किया है, but that is really very nice. चलो great. तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे साथ स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उन्होंने अलग अलग आंसर दिए हैं। ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो वो मम्मा के पास ज़्यादा, मम्मा से ज़्यादा थोड़ा सा क्लोज होती हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं वैसे अपने मम्मा से ही क्लोज हूँ, माय पेरेंट्स एंड माय टीचर, डिफरेंट आंसर वासु, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो जो बावर है वो एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा शेडी ट्री है जिसके नीचे हम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, फिर हमने कहां तक पढ़ा था, ब्रीथिंग तक पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो वी आर ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened, ye or kya hai, over darkened ways, ye statement likha hua hai. Ab word ek ek karke dekh lete hain hum log. Morrow ka matlab hai agla din, tomorrow se morrow bana hai. Wrathing ka kya matlab hai, jis cheez se hum covered hain, charo or jo hamare hai, jaise jab aap ghar ke andar hote ho to aapke charo or kya hoti hain, ghar ki deewarein, when you are surrounded or encircled, usko bolte ho aap writhing. Despondence ka kya matlab hota hai, when you are sad, when you are in a depression, and same goes for gloomy. Gloomy ka matlab bhi hota hai sad, dukhi hona, right? To aapka yahan par jo word use hua hai ek overdarkened, overdarkened ka matlab hai you are choosing the evil ways, okay? Very good. अंकित आप थोड़ा सा लेट चल रहे हो बेटा, मैं चाहूंगी आप एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार ना रिफ्रेश कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चलो रिफ्रेश कर लो तो आप आगे पहुंच जाओगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या कहा, यही वजह है कि जो सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं वो हमें इतनी पॉजिटिविटी देती हैं, यही वजह है कि हम हर रोज क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्कल कर रहे हैं या अपने आप को कवर कर रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, तो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को बांध रहे हैं, एनसर्कल कर रहे हैं एक फ्लावरी बैंड में, ताकि हम सब लोग जुड़ जाएं इस अर्थ पर, ताकि हमारे पास दुख ना हो, राइट? क्या ना हो, दुख ना हो, और साथ ही साथ में हमारे पास क्या ना हो, इनह्यूमन डर्थ ना हो। डर्थ का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव लैक ऑफ समथिंग, ओके, लैक ऑफ समथिंग। फिर वो क्या कह रहा है, ऑफ नोबल नेचर्स, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजों की कमी ना हो जिसकी वजह से हम फ्लावरी बैंड मानते हैं, नोबल क्रिएचर्स की कमी ना हो, ग्लूमी डेज की कमी ना हो, या फिर ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज हम चुने ना, राइट? सो बेसिकली पोएट हमसे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करें तो सबसे पहला पॉइंट वो हमसे कहते हैं कि हर रोज हम अपने आप को वो सुंदर सुंदर चीजें देख करके उनको इमेजिन करते हैं, उनको सोचते हैं, और उनको सोच सोच करके इकट्ठे करते हैं। अब आप बेसिकली इनको बोल सकते हो कि ये आपकी पॉजिटिव मेमोरीज हो सकती हैं,
या हो सकता है कि आपने अपने घर के बाहर एक गार्डन बना के रखा हो जिसके बीच में आप बैठना चाहते हो, तो यू आर एनसर्कलिंग अस विद दैट, राइट, योरसेल्फ विद दैट. सो द पॉइंट सेज दैट हर रोज जो ब्यूटी है ना वो हमको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, हम पूरी तरीके से उसके हो जाते हैं. एंड ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर डिजायर्स को बिल्डअप करती है ताकि हम जिए, ताकि जो सैड मोमेंट्स है ना और जो क्रूअल पीपल है हमारे आसपास वो हमसे दूर चले जाए. तो जब हम सुंदरता को अपने आसपास देखते हैं, जब हमारे आसपास हमको सुंदरता दिखाई देती है, तो हमारे पास से जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं उनको हम दूर करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे पोएट क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं कि बिना ब्यूटी के अर्थ के विल बी फुलफिल ऑफ क्रूअल पीपल सैड एंड ग्लूमी. सो पोएट क्या कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे क्रूअल लोग हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे इविल और डार्क डिजायर्स हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको ये फ्लावरी बैंड अपने आसपास इकट्ठा करना पड़ता है. अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे. गॉट इट? हाँ, वो बात जो कि आपके खो गए हैं, आप होपलेस हो चुके हो, आपके पास कोई भी पॉजिटिविटी नहीं बची और फिर आपने ईविल रास्ते चुन लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं फटाफट एवरीबॉडी कि ये आपका क्लियर हो गया, ये पॉइंटर आपको क्लियर हो गया पूरा. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्लियर. मैम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कैसे करें? बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप अगर क्लास 12 की 11 12 की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर्स, तो आप उसे देख सकते हो. क्या कह रही है, आयर, आयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है और एच ई आर होता है बेटा. यस मैम क्लियर. मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछूं मैं, चलो क्वेश्चन पूछती हूँ. अब देखो यहाँ पर ना कनेक्ट करेगा ये, पहला वर्ड मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, देयर इज अ वर्ड दैट इज रेथिंग. रेथिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेथिंग, रेथिंग शब्द का क्या मतलब है? या श्योर, तो आंसर मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेथिंग. Breathing means encircle or the surroundings. So every day, every night, every morrow, what we are breathing? हर रोज हम लोग क्या breath कर रहे हैं? किस चीज से अपने आप को encircle कर रहे हैं? Make a garland. No. Encircle करना, surround करना, घेर लेना अपने आप को किसी चीज से. Very good ambition zone. तो एनसर्कल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए हम लोग हर रोज अपने आप को किस चीज से एनसर्कल कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द पोम, अ डैश बॉन्ड और बैंड. ब्रीथिंग इन टू अर्थ, तो कौन सी चीज है जो हम लोग हर दूसरे दिन रेथ करने के लिए तैयार हैं, बांधने के लिए तैयार हैं, उसको घिरने के लिए तैयार हैं? फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड. तो हर रोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन अच्छी अच्छी चीजों से, उन अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदरता से भरी चीजों से क्या कर रहे हैं, एक फ्लावरी बैंड तैयार कर रहे हैं, फूलों का गुच्छा तैयार कर रहे हैं, ताकि कौन सी चीजें हमसे दूर चली जाए, किस तरह की चीजों को हम अपने आप से दूर करना चाहते हैं? कैन यू टेल मी What are the things जो कि हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए, क्योंकि हम पूरी तरीके से बुरी चीजों से कवर्ड है. That's why हम लोग हर रोज एक पॉजिटिव, एक अच्छा सा फ्लावरी बैंड बांध रहे हैं. तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि वो कौन सी चीजें हैं डियर जिससे आप क्या होना चाहते हो, पूरी तरीके से दूर होना चाहते हो. फ्लावरी बैंड इज द करेक्ट आंसर. आंसर एनिमेशन जोन, दीपक, अभिषेक,
वेरी गुड. ग्लूमिनस, ओवर डार्क इन वेज. इनह्यूमन और इनह्यूमैनिटी, इन्हीं सब चीजों से तो दूर भागना चाहते हैं आप. सैडनेस, वेरी गुड. डिस्पोंडेंस एक वर्ड यूज किया गया था. ओके, वेरी गुड. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हम दुख को दूर करना चाहते हैं, हम एविल रास्तों से दूर आना चाहते हैं, हम इनह्यूमैनिटी से दूर आना चाहते हैं, हम डिस्पोंडेंस से, दुखी, जो दुखियारा हमारी जिंदगी है उससे दूर आना चाहते हैं. इसीलिए हर रोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लावरी बैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सुंदरता से भरी हुई चीजों को एक गुच्छे के फॉर्म में समेट करके रखना चाहते हैं. तभी आपको याद रहता होगा, जब भी ऐसा होता है ना, हमको बुरा फील हो रहा होता है तो हम अपने बचपन के फोटोज उठा करके देखने लगते हैं, या फिर हम कोई ऐसे सोच में डूब जाते हैं कि वो हमारा बचपन कितना अच्छा था, राइट. फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर मेंशन है आपको मेड फॉर अर्थ सर्चिंग. क्या लिखा है? मेड फॉर अर्थ सर्चिंग. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ऑल ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, सच द सन, द मून, trees old and young and sprouting are shady. So Paul refers to sadness and Boone refers to blessing. So jo raaste hame negativity ki taraf le jate hain unhe na dekh karke, unhe na soch karke, in spite of all, jitni bhi negativities hain unko dur hata karke, unke bavajood, यहाँ पर भगवान ने हमें कुछ सुंदरता से भरी हुई चीजें दी हैं, जो कि हमारे दुखी आत्माओं को या हमारे दुख को, हमारी डार्क स्पिरिट्स को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती हैं. क्या है वो सुंदरता से भरी हुई चीजें? सन, मून, पुराने और नए ट्रीज, या फिर स्प्राउटिंग अ शेडी, एक ऐसा शेडी बून जो कि स्प्राउट कर रहा है, जो कि उग रहा है, ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, राइट. तो हम लोग सारी नेगेटिविटी से दूर हट करके अगर सोचें तो भगवान ने हमें सुंदरता से भरी हुई अलग अलग चीजें दी हैं ताकि हम नेगेटिविटी को भूल जाएं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएं. तो यहाँ पे अगर आप पॉइंटर्स के फॉर्म में देखना चाहोगे तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है. ये सुंदरता से भरी हुई ही चीज है जो कि भगवान ने हमारे लिए क्रिएट करी है, और वो मदद करती है हमें ताकि हम अपने दुख को रिमूव कर सकें हमारे दिलों से. और यहाँ पे पोएट कहते हैं वो सुंदरता से भरी हुई चीजें हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं. और एग्जाम्पल में वो क्या कहते हैं? सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, यही वो सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं जो भगवान ने हमारे लिए क्रिएट करी हैं. बताइए, इतना क्लियर है सभी लोगों को? जब भी मैं सैड होती हूँ मैम के कोट्स रीड करती हूँ, बस. रियली वासु, व्हेन आई फील सैड आई प्ले ऑनलाइन गेम. तो आपके लिए सुंदरता से भरी हुई चीज द थिंग ऑफ ब्यूटी वो गेम हो सकता है. वासु के लिए दैट शुड बी द ब्यूटिफुल थिंग. ओके, डार्क स्पिरिट मतलब हमारे जो स्पिरिट से, हमारी जो सोल है उसमें जो गंदे थॉट्स भर गए हैं, जो नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं, लोगों के लिए हम लोग बुरा सोचते हैं, राइट, उनके लिए बुरा चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं ना, वो हमारी सोल को क्या कर चुकी हैं, स्पिरिट को क्या कर चुकी हैं, डार्क कर चुकी हैं. दैट मीन्स हमारे नेगेटिव ओपिनियंस हमें बुरा बना रहे हैं. ओके, तो उससे हमें दूर भागना है. तो अगर हमें उससे दूर भागना है, उससे बाहर आना है, तो उसके लिए हम भगवान की चीजों को देख सकते हैं जिसमें पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही है. सूरज क्या करता है? सूरज पूरे अर्थ को रोशन कर देता है. पहाड़ क्या करते हैं? हमेशा सर उठा करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमें कभी सर नहीं झुकाना, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई मेरे ऊपर क्यों ना चढ़ जाए. नदियां हमें क्या सिखाती हैं? कि हमें हमेशा चलते रहना, हमें कभी रुकना नहीं है. और वही मून क्या करता है? कहता है ठीक है, अगर सूरज चला गया तो रात में रोशनी मैं दूंगा. ठीक है, तो भगवान ने हमारे लिए चीजें इसीलिए बनाई है कि हम इन चीजों से कुछ सीखें. यस मैम, रियली नेचर, वेरी गुड. तो क्या मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं इस पे बेस्ड? मैं क्वेश्चन पूछूं इस पे बेस्ड? हर एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड है डियर. चलो क्वेश्चन पूछ रही हूं नाउ. आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि जितनी भी नेगेटिविटी से भरी हुई चीजें हैं उन्होंने हमारी स्पिरिट को कैसा कर दिया,
उन्होंने हमारे स्पिरिट को कैसा कर दिया है, प्योर कर दिया है या इम्प्योर कर दिया है, पवित्र कर दिया है या फिर अपवित्र कर दिया है? टेल मी, जो नेगेटिविटी से भरी हुई चीजें हैं, जैसे कि दुख, राइट, जैसे कि किसी से जलना या फिर लोगों के बारे में बुरा सोचना, इन्होंने हमारे जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, उसके लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या प्योर किया, क्या इम्प्योर किया? इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? अपॉल का मतलब है सैडनेस. इम्प्योर, वेरी गुड. इम्प्योर, रितिका, एनिमेशन जोन, अंकित, वेरी गुड. सो एवरीथिंग इज क्रिएटिंग अस इम्प्योर. Now, ये इस इम्प्योरिटी को मिटाने के लिए, इस पॉल को मिटाने के लिए, इस सैडनेस को मिटाने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है? व्हाट गॉड हैज गिवन अस? नेचर और द फॉल्स पीपल. बताइए. इम्प्योर कर दिया, वेरी गुड. एनिमेशन जोन, रितिका, अभिषेक गुप्ता, अंकित, वेरी नाइस. मैम, इस चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब होगा? अभी बेटा आपका ये 7 days का एक सीरीज चल रहा है आपके, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके जो क्वेश्चन है ना एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड वही करवाऊंगी. नेचर, नेचर, नेचर. तो भगवान ने हमें नेचर दिया, और आप मुझे बताएं, आप ये तो हो गया भगवान ने हमें नेचर दे दिया कि हम अपने दुखों को भूल जाएं, तो नेचर में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी सोल को वापस प्योर बनाने में मदद करती हैं, जो हमारी आत्मा को फिर से पवित्र कर देती हैं और सही रास्ते पर ले आती हैं, राइट? बताइए. तो नेचर के पार्ट्स आप लोग को यहां पर मेंशन करने हैं. यू नीड टू मेंशन एटलीस्ट 3 parts सो दैट आई कैन गेट कि आप लोगों ने अच्छे से पोम को पढ़ा है. Sun, moon, trees, old and young, great, very nice everybody. So remember this, भगवान ने नेचर में हमें बहुत कुछ दिया, सन दिया, मून दिया और ओल्ड और यंग ट्रीज दिए, जिन्होंने हमारे दुख को पूरी तरीके से खत्म कर दिया. फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. जो लास्ट वाली लाइन हम लोगों ने खत्म करी थी वो कहां पर थी? ट्रीज एंड यंग, जितने भी आपके ट्रीज हैं, यंग हो चाहे ओल्ड हो, चाहे सन हो चाहे मून हो, चाहे स्प्राउटिंग अ शेडी बून. अब ये जो सन है, ये मून है, ये ट्रीज हैं जो पुराने और यंग हैं, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये ग्रो कर रहे हैं. स्प्राउटिंग का क्या मतलब होता है? ग्रोइंग और मेकिंग. और क्या बना रहे हैं ये? अ शेडी बून, एक ऐसी ब्लेसिंग तैयार कर रहे हैं जो कि पूरी एक छाया है, राइट? और ये छाया किसके लिए है? For simple sheep. अब यहाँ पे sheep refers to people, animal, insects और all the living creature, right? तो जो सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं, चाहे वो moon हो, चाहे वो sun हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब हमारे लिए क्या कर रहे हैं? एक shady moon तैयार कर रहे हैं. और हम कौन हैं? हम ये sheep हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए ये वाली lines में sheep का reference क्या है, तो sheep का reference people से भी है, animal से भी है, insect से भी है और आपकी सारी living चीजों से है जो कि इस nature में survive कर रही हैं. Now, फिर हमारे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? And or such are daffodils with a green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest. तो अब देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल लाइन हमारे जो पोएट है उन्होंने बोल दी. वो कह रहे हैं कि अब ये सारा शेडी बून जो है वो लोगों के लिए, जानवरों के लिए और लिविंग क्रिएचर के लिए बनाया गया है, साथ ही साथ में बहुत सारे डेफोडिल्स हैं. डेफोडिल्स क्या होते हैं? कलरफुल फ्लावर्स. मैं पूछूंगी, याद रखिएगा, इस पूरे ग्रीन कलर के वर्ल्ड में अलग अलग सुंदर सुंदर फूल हैं जो कि ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं. और अगर आप देखोगे तो आपको साफ सुथरे रिल्स भी दिखाई देंगे. रिल्स क्या है? छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी स्ट्रीम्स. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. यानी कि जब गर्मियां आती हैं, जो बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी के सीजन में जो पानी होता है ये एक ठंडक देता है. किसको ठंडक देता है? इनको, ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको.
जब शीप्स आती हैं, जब डियर आते हैं, जब लोग आते हैं, उन्हें गर्मी लगती है, तो वो यही छोटे छोटे जो झरने बह रहे हैं उनको पीते हैं और अपनी गर्मी को मिटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। सो ये वाला जो सेंटेंस है उसकी कनेक्टिविटी आपको आगे मिलेगी। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जब कहीं पे भी चल रहे हो तो आप वहां पर रुक जाओगे, आप स्टॉप हो जाओगे, वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल है, राइट? तो अगर आप इसको पॉइंटर्स में देखोगे तो पॉइंटर्स में आपको क्या क्या मेंशन किया गया है, कौन कौन सी चीजें हैं? सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स एंड रिवर्स। ये वो सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम सन, मून एंड ट्रीज, फ्लावर्स एंड रिवर्स। पोएट कहते हैं कि ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स हैं जो कि भगवान ने दी हैं सारे क्रिएचर्स के लिए। और फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ट्रीज हैं वो छाया प्रोवाइड करती हैं, जो फ्लावर्स हैं वो सुंदरता को निखारते हैं, और जो रिवर्स हैं वो ठंडक देती हैं। अलग अलग चीजों के अलग अलग काम है। एंड ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक बून फॉर अस। और ये सारी चीजें जो हैं वो नेचर की सुंदरता है और ये हमें एक ब्लेसिंग की तरह भगवान के तरफ से दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। या लिविंग बीइंग्स, ओके, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके दीजिए एवरीबॉडी, ताकि मैं क्वेश्चन पूछ पाऊँ आप लोगों से। रतिका ने सबसे पहले बोला यस मैम। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, ओके? दिया जाना, टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही और शी रिस्पेक्ट। तो भगवान ने हमारे लिए इतनी ज्यादा चीजें दे करके रखी हैं क्योंकि भगवान हमें अपना बहुत सारा प्यार दे रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो कुछ प्रदान करना, किसी को कुछ अर्पण करना इज कॉल्ड बेस्टोड, ओके? तो भगवान हमें अर्पण के तौर पर क्या दे रहा है? नेचर की ब्यूटी दे रहा है, ओके? यस मैम। तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मुझे आंसर करिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, यस, माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिल्स? रिल्स का क्या मतलब है? ग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिल्स? रिल्स शब्द का क्या मतलब है? लेट्स सी, मुझे सबसे पहले कौन आंसर देता है? लेट्स मेक इट द कॉम्पिटिशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिल्स? अ शॉर्ट स्ट्रीम। सबसे पहले मुझे आंसर आया अभिषेक गुप्ता का, फिर मुझे आंसर आया है हिमांशी का। वेरी गुड। सो रिल्स रेफर्स टू स्मॉल स्ट्रीम। तो ये जो रिल्स हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, ये हॉट सीजन में लोगों को क्या प्रोवाइड करती हैं? हॉट सीजन में लोगों को क्या प्रोवाइड करती हैं? टेल मी, स्मॉल स्ट्रीम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए, जब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। वेरी गुड। तो हॉट सीजन में स्मॉल स्ट्रीम क्या प्रोवाइड करती है? एनीवन? वैसे तो अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। अंगद ने भी आंसर कर दिया, अंकित ने भी आंसर कर दिया, अमजद ने भी आंसर कर दिया, एनिमेशन जोन ने भी आंसर कर दिया। क्या? यस। तो स्मॉल स्ट्रीम क्या प्रोवाइड करते हैं? कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, या आप बोल सकते हो कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, ठंडक का एहसास दिखाते हैं, राइट? और ये कूलनेस किसको मिल रही है? यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है जिसको ये कूलनेस मिल रही है? इस पोम में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, किसको कूलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम? कूलिंग, कूलनेस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? पीपल को, एनिमल्स को, लिविंग क्रिएचर्स को? तो यू नीड टू टेल मी, ये जो कूलनेस है वो जिसको प्रोवाइड करी जा रही है उसके लिए क्या वर्ड आपका यूज किया गया है इन द चैप्टर? ठीक है, बताइए। कूलिंग, वेरी गुड। तो ये कूलिंग, कूलनेस किसको प्रोवाइड करेगी? चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, बताना है कि आपके जो पोम है उसमें कौन सा वर्ड यूज किया गया है कि ये ठंडक किसको प्रोवाइड करी जा रही है, शीप को, डियर को, या फिर हाउस फ्लाई को?
sheep. Yeah, very good. Very nice. Very nice. Very nice, everybody. Very good. Great, great, great. तो शीप को प्रोवाइड करी जा रही है. ओके चलो, तो रिवर्स का तो हमें पता चल गया, राइट. अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्रीज है ना, वो क्या करते हैं? ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे रिल हमें कूलनेस प्रोवाइड करती है, ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? और डैफोडिल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? What is provided by sheep? Sorry, trees, all living things. Very good, very nice. Shade. Great, very good. Very good. So trees हमें provide करते हैं shade, यानी कि छाया. और daffodils क्या provide कर रहे हैं हमारी earth को? अंकित ने सबसे पहले आंसर कर दिया है. हाँ, तो डैफोडिल्स का मतलब होता है कलरफुल फ्लावर्स. तो ये कलरफुल फ्लावर्स जब हमारे अर्थ पर लगते हैं, तो वो हमारी तो हमारी अर्थ को क्या कर देते हैं? सुंदर बना देते हैं. सुंदर बना देते हैं, राइट. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हमारी अर्थ को सुंदर बनाने वाले ये रंग बिरंगे फूल ही हैं. या तो सुंदर बनाते हैं, ब्यूटिफाई करते हैं. ओके चलो आगे बढ़ेंगे. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये सारे पॉइंटर्स पढ़ लिए, यहाँ हॉट सीजन तक पढ़ लिया था हमने. अब फिर हमें क्या मिल रहा है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा. फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, मिड का मतलब है बीचम बीच में, और ब्रेक का मतलब है ऑब्स्टिकल. और जंगलों के बीच में आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी. कभी जंगल गए हो आप लोग? एनिमेशन जोन, रितिका, लर्निंग ट्यूटोरियल, सौरभ, आप लोग कभी जंगल गए हो? Have you ever been to jungle? Have you ever been to forest? Have you ever been to woods? The three terms for jungle. Jungle, jungle, bas chali hai, pata chala hai. Aage main nahi aungi. Aage aapko bahut acche se gana pata hai. Haan, beauty provide karte hain. Very good, animation zone. Bahut sahi keh rahe hain aap. Yeah. So ye jo break hai, जब आप जंगल में जाओगे, खूब सारे आपको पेड़ मिलेंगे, बहुत सारे आपको पेड़ मिलेंगे, लेकिन बीच में रास्ते भी होंगे. बट रास्ते में जो आपको ऑब्स्टेकल मिलेगी, जो परेशानियां मिलेंगी, वो होंगी झाड़ियां, जिनमें हो सकता है कांटे लगे हुए हों, और हो सकता है जिनको पार करके जाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो. तो बीचम बीच में जंगलों के ब्रेक हैं, झाड़ियां हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमें बहुत परेशान कर रही हैं, राइट. और वो जो झाड़ियां हैं, फिर से जरा मैं पीछे आना चाहूंगी आप लोग को क्लियर करने के लिए. जंगल के बीचम बीच में हमें ब्रेक मिलते हैं. ब्रेक रेफर्स टू दी बुशेस, झाड़ियां और दी ऑब्स्टिकल्स. और ये ऑब्स्टिकल्स क्या करते हैं? ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो बुशेस हैं, दीज आर रिच. रिच का मतलब इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है. दे आर वेल्दी. ये झाड़ियां बहुत ज्यादा रिच हैं. क्यों रिच हैं? क्योंकि इनके पास स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस हैं, जो कि खिल रहे हैं. यानी कि उन झाड़ियों के ऊपर बहुत सारे गुलाब खिल रखे हैं, राइट. And such too in the grandeur of the dunes. तो एक तो ये सुंदरता दिखाई दे रही है हमको जंगलों में, और जस्ट उसी तरह जैसे कि बुशेस के ऊपर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं रोजेस के, वैसे ही सुंदर चीज जब हम बड़े बड़े महारथियों की कहानियां सुनते हैं, वो भी बहुत प्यारी होती है. ग्रैंडियर का मतलब क्या है? हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट पीपल, वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ बड़ा नाम किया है, उनको आप बोलते हो कि दे आर द ग्रैंडियर्स, राइट. और डूम का मतलब क्या है? डूम का मतलब है कयामत आना. अब कयामत कैसे भी हो सकती है? अब मम्मी लोग बोलती है ना, ओ जमीन फट जाएगी, तब आ जाएगी वो प्रलय, जिसे बोलते हो आप हिंदी में. मैम कल मेरा प्री बोर्ड है इंग्लिश का और मैंने स्टार्ट नहीं किया, कुछ हेल्प कर दो ना. बेटा आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे, सारे पढ़ डालो. मुश्किल से आपको 2 घंटा लगेगा, आपके सारे जो वन शॉट है वो खत्म हो जाएंगे. आप उसको पढ़ लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, राइट. इन शॉर्ट टेन्योर में पढ़ने के लिए. अरस्तु लास्ट मोमेंट पे क्यों याद आता है आप लोगों की पढ़ना है? चलो, तो अभी हमको क्या बताया जा रहा है कि जब कयामत आती है, कयामत यानी कि प्रलय आती है. अब प्रलय हमें जनरली बताया जाता है, ओ धरती भट गई, प्रलय आ गया,
सुनामी आ गई, प्रलय आ गया, बट छोटी छोटी सी चीजें भी प्रलय लाती हैं। जैसे कि यूक्रेन का अगर आप माहौल देखोगे तो वहां पर भी प्रलय आई हुई है, लोग मर रहे हैं, यही तो प्रलय है। जब लोग मरने लगेंगे यही प्रलय है। मामा जॉब राइटिंग के सीरीज लाए ना फिजान, यू आस्क मी, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। ओके, तो कहीं पे भी लड़ाई होना, झगड़ा होना, लोगों का मरना, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज आना, उस सबसे ठीक। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि जब हम लोगों को बताया जाता है कि कोई प्रलय आती है, कोई नेगेटिविटी आती है, कोई खयामत आती है, उसमें जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं जब वो लड़ते हैं और उनकी कहानियां लिखी जाती हैं, तो वो भी हमारे लिए सुंदरता से भरी हुई चीज ही है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, तो वो महान लोग जो कि इन लड़ाइयों में डेड हो जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने उनके बारे में जो कहानियां सुन करके रखी हुई हैं या पढ़ करके रखी हुई हैं, वो सारी ही हमें बहुत सुंदर लगती हैं। और ये क्या क्रिएट करता है, ये एक एंडलेस फाउंटेन क्रिएट करता है जो कि एक इमॉर्टल ड्रिंक है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है कोई कोना, कोई एज। इमॉर्टल का मतलब होता है नेवर डाइंग। माइटी का मतलब होता है इनॉर्मस। तो हमें क्या बताया गया कि जो भी सुंदरता से भरी हुई चीजें हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमें क्या लगता है कि भगवान ने हेवन के किसी कोने से एक फाउंटेन जारी किया है जिसका पानी नीचे गिर रहा है, और वो पानी ऐसा है जैसे कि अमृत, अगर उसको हमने पी लिया तो वो हमारे लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करेगा। और इस अमृत को बोला जा रहा है इमॉर्टल, यानी कि ये अमृत गिरना कभी भी बंद नहीं होगा, ये अमृत आना कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भेजा है। समझ में आ गया सभी लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दें। इफ वी टेक इट इन अ पॉइंटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर पोएम में वो क्या बताते हैं, वो ब्यूटीफुल चीजों का डिस्क्रिप्शन फर्दर देते हैं। वो कहते हैं जो मस्क रोजेस हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर खुशबू प्रोवाइड करते हैं जंगलों को, और दिखने में भी सुंदर है। फिर वो कहते हैं जो योद्धाओं की कहानियां हैं वो भी सुंदर है, जो कि हमारे कंट्री के लिए लड़े ताकि वहां पर ह्यूमैनिटी बचाई जा सके। फिर वो बताते हैं कि जो भगवान की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला है ना, सुंदरता से भरी हुई चीजें, दे आर लाइक द नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस। ये हमारे लिए एक अमृत है जो भगवान ने भेजा है, और उस अमृत का फव्वारा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ओके, जो हमारे दुखों को दूर कर देगा, जो हमारे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रोवाइड करेगा। राइट, अब मुझे बताइए पॉइंटर्स आपको क्लियर हो गए? एवरीबॉडी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैग्निफिसेंस, क्लियर इतना? ग्रेट। तो अब मैं जाते जाते आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रही हूं। राइट, आपको बताना है, कलर दूसरा ले लूं क्या, ये वाला? क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट ब्रेक्स आर रिच ऑफ, जो ब्रेक्स हैं जंगल के बीच की, जो ब्रेक्स हैं दे आर रिच ऑफ, ये किस चीज से रिच है? राइट, पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि गॉड हैज गिवन अस अ फाउंटेन। ओके, गॉड ने हमें क्या दिया, एक फाउंटेन दिया है। तो आपको बताना है व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दिस फाउंटेन, इस फाउंटेन से क्या चीज है जो बाहर आ रही है। ओके, एंड आई वांट दिस कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके दो आफ्टर द वीडियो। ओके, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये थर्ड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए एक नेक्टर की तरह है। नेक्टर क्या होता है? जो मीठा मीठा रस होता है ना, जो बटरफ्लाईज होती हैं और जो बीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूलों से नेक्टर निकालती हैं, रस निकालती हैं। तो नेक्टर इज रस, और हमारे लिए रस क्या है, वो जो फाउंटेन है। और ये फाउंटेन किसका है? ये सुंदरता से भरी हुई चीजों का है। राइट, ये ब्यूटी के लिए, हमारे अर्थ पे जितनी भी ब्यूटीज हैं उनका फव्वारा भगवान हमारे लिए भेज रहा है।
by God to us. And these are those beauties which are immortal. और ये वो सुंदरता हैं जो कभी मरेंगी नहीं, कभी खत्म नहीं होंगी. And gives us a reason to live. और यही हमें कारण दे रही हैं कि हम जिएं इस अर्थ पर, despite having so many sorrows in our life. हालांकि हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, लेकिन हमारे पास जिंदगी में जीने का भी तरीका है. और वो जीने का तरीका क्या है कि ये सुंदरता से भरी हुई चीजों को देख देख करके हम जी सकते हैं. ओके मैम, अभी वन शॉट कर दो ना फुल सिलेबस का, कल एग्जाम है. अरस्तु, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. देखो अभी तो सेशन एंड हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कट करूंगी, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. देखो आप ना अपने फोन पर जाना गूगल सर्च पर और यहाँ पे डाल देना एट द 24/7 स्कूल. ओके तो जैसे ही आप सर्च पर जाओगे ना ये अड्डा स्कूल पे, तो आपको सारे के सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे. एक सेकेंड, आप एक काम करो, आप यूट्यूब पर जाओ. सपोज आप यूट्यूब पर गए, ये रहा यूट्यूब, ध्यान से देखना इसको, जितने भी लोग देख रहे हो जिनका कल पेपर है उनके लिए. आप यूट्यूब पर गए, सपोज मैं ये यूट्यूब पर आ गई हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया अड्डा स्कूल. अड्डा स्कूल से ही तो पढ़ाई कर रहे हो ना. सर्च किया मैंने ये अड्डा स्कूल. ओके अब जैसे ही मैं सर्च करूंगी 11 12 का चैनल ओपन होकर के आएगा. देखो होम वीडियोस प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पर जाना और नीचे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे सारी चीजों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ये देखो मैथ्स का वन शॉट है, यहाँ पर केमिस्ट्री का वन शॉट है, बायोलॉजी का वन शॉट है. ऐसे ही आपको नीचे भी वन शॉट मिल जाएंगे, ये बायोलॉजी इकोनॉमिक्स का वन शॉट. जब आप नीचे जाओगे ना तो आपको इंग्लिश वगैरह का भी वन शॉट मिल जाएगा. सो प्लेलिस्ट पे आपके लिए सब कुछ मेंशन है. अगर आपको चाहिए कि आपका कल एग्जाम है और आप अच्छे से पढ़ लो एक बार में, तो वन शॉट इज फॉर यू. ठीक है, समझ में आ गया, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए. सारी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई. ओके क्लास 11th वालों के लिए भी है और क्लास 12th वालों के लिए भी. सो यू विल गेट द प्लेलिस्ट ऑफ वन शॉट रिविजन ऑल्सो. मैम कलर चेंज करिए, दिख नहीं रहा होमवर्क क्वेश्चन. ओ हो, ऐसा हो गया क्या? तो कलर मैंने क्वेश्चन क्या दिया आप लोग को याद है या याद करना पड़ेगा आपको? पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि ये जो ब्रेक्स हैं ये किस चीज से वेल्दी हैं, ये पहला क्वेश्चन था. और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है जो फाउंटेन है ये फाउंटेन कहाँ से आ रहा है? ओके फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, भगवान ने हमें कहाँ से भेजा? तो ये दो क्वेश्चन के आपको आंसर्स करने. एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आप चीजों को लर्न कर रहे होगे और मैंने होमवर्क क्वेश्चन का कलर चेंज कर दिया है. जस्ट आई एम एंडिंग दिस, बाय बाय एवरीवन. मैम की क्लास है अभी, सभी लोग क्लास में जुड़िएगा. ओके बाय एंड टेक केयर.